हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पालक के पराठे बनाएंगे। तो पालक के पराठे बनाने के लिए हमको चाहिए आटा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप आटा लिया हुआ है। तो आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना बनाना है। तो बस हम ये आटा लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम बेसन डालेंगे, इससे बेसन से क्रिस्पी पराठे बनेंगे। तो हम पालक के पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दो टेबल स्पून बेसन लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे और इसमें कट करके पालक डालूंगी। आप पेस्ट भी बना सकते हो, बट मैंने कट करके बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी आप सर्व कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और सिंपल मसालों से बनाऊंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा, इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग से अच्छा डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो पराठों में आपको हींग और अजवाइन तो ज़रूर डालनी चाहिए, चाहे आप कोई सा भी पराठा बनाओ। सो बस टेस्ट अकॉर्डिंग नमक एंड देन मिक्स। तो अभी इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसका अच्छा सा डो रेडी करेंगे, जो हम जिसके पराठे के लिए बनाते हैं। सिंपली बस वैसे ही हमको अच्छे से आटे को थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स कर लेना है और अच्छा डो तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अच्छे से रेडी कर लूँगी। और पराठे बहुत ही सभी को पसंद आते हैं, और मोस्टली सर्दियों में तो आप पराठे बना के खाइए, किसी भी चीज़ के, मेथी के, पालक के, गोभी के, गाजर के, पत्ता गोभी के, कैबेज, सभी के पराठे आप इजीली बना सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया 10 मिनट, और यहाँ पे दिए 10 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं। और क्या करेंगे, थोड़ा सा बस आटा लेंगे और इनका पराठा बनाएंगे। तो आप चकला पे भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे स्लॉट पे ही बना रही हूँ। बट फटाफट से हमको ट्रायंगल शेप में इसको बना लेना है। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल शेप में इसको बना लूँगी पराठे को, और इसको फटाफट से आप देख ही सकते हो। बस एंड तवा इसको अच्छे से हीट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा घी डालेंगे और देन ये पराठा डालेंगे, और दोनों साइड से हमको क्रिस्पी होने तक पलट सेक लेना है, अलट पलट करके। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं और घी लगाऊंगी, तो यहाँ पे साइड से लगा दूंगी एंड इसको अलट पलट करके अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन तक हमको अच्छे से फ्राई कर लेना है, सॉरी सेक लेना है। सो बस यहाँ पे मैं इसको पलटे की हेल्प से, स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे गोल्डन ब्राउन तक सेकूँगी। तो फाइनली आप देख सकते हो, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक सेक लेना है हमको, और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं इन प्लेट को निकाल लूँगी और अगेन नेक्स्ट पराठा डाल देंगे, और उसको ऐसे ही हमको अलट पलट करके सेक लेना है। आप ऑयल भी लगा सकते हो, पर घी में बने हुए पराठे का मज़ा ही अलग है। और देखिए कितने गोल्डन ब्राउन हो, एकदम क्रिस्पी सेक लिए। आप इनको अचार से, चटनी से, किसी से भी खा सकते हो, सॉस से। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए दही और थोड़ा सा अचार और पराठा रखा है। और मैं तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।